हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क है जो आपके फ़ोन में जैसे आप कनेक्ट करते हैं पर कनेक्ट हो जाता है पर उसमें जो नो इंटरनेट एक्सेस ऑप्शन आ रहा है उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे। जिसके इसमें आप शो हो रहा है प्राइवेट DNS नो इंटरनेट एक्सेस, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं कि आपके तो फ़ोन की सबसे पहले तो ये आइकन से आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना, स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन आएंगे। सेटिंग्स पे जाना, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो आपके फ़ोन में जो आपके फ़ोन में नो एक्सेस की जो प्रॉब्लम है इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसे वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो उसमें बार बार नो एक्सेस आ रहा है, जैसे देख सकते हैं कि उसमें नो एक्सेस प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे आप कोई और नेटवर्क भी कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी नो एक्सेस प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम पहला नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं पर इसमें भी नो इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये सेटिंग्स को ओपन करके फिर आपको नेटवर्क इंटरनेट पर चले जाना होगा, जहाँ से प्राइवेट DNS सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, जिसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऑफ ऑटोमेटिक प्राइवेट DNS, तो ऑटोमेटिक करना चाहें तो ऑटोमेटिक पे आपको क्लिक कर देना। ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं तो जो आपके नेटवर्क है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से ही आप प्राइवेट DNS सेटिंग्स को सेट करके वाईफाई नेटवर्क की नो इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो सिंपली आप देख सकते हैं कि फ़ोन की सेटिंग्स से शो हो रही है, तो आपको जाना होगा सिस्टम सेटिंग्स पे। तो सिस्टम सेटिंग्स को आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है, फिर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा आपको इस पर क्लिक करना रीसेट ऑप्शंस पे। तो रीसेट ऑप्शंस भी आपके फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाता है, ओपन हो जाएगा। फिर ऊपर जाते ही आपके साथ देखते हैं कि ऑप्शन आ जाता है रीसेट एंड वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ सेटिंग, इस पर जाना है। और जो भी वाईफाई की ऑल सेटिंग्स होती है आपको रीसेट सेटिंग्स को ओपन करके इसको ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से आपके फ़ोन में ये ओपन हो जाएगा। तो आपको बस इसमें से जाना है रीसेट सेटिंग्स पे, टैप कर देना है। और टैप करते जो भी आपकी फ़ोन की ऑल सेटिंग्स होती है वो आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी, और जो भी वाईफाई नेटवर्क की जो नो एक्सेस प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। और आपके फ़ोन में जो इंटरनेट वाईफाई नेटवर्क है आपके फ़ोन में सही तरीके से कनेक्ट होने लगेगा और इंटरनेट भी चलेगा। इसलिए कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा। सही कनेक्ट हो चुका है, जिससे आप इंटरनेट यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं। तो इस तरीके से वाईफाई नेटवर्क नो एक्सेस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।